जय हिंद दोस्तों, आपका राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, फिजिक्स के अंतर्गत जीएस में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और वहां पे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोग पढ़ रहे थे। दोस्त, ये फिगर नंबर 5वां कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो अवतल दर्पण के, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्त, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हमारे हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ जाता रहे। तो दोस्त, जब वस्तु अनंत पर मुख्य फोकस पर होती है, यहाँ पे ए बी है जो मुख्य फोकस पर है, इसके बिंदु बी से एक किरण गई अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तित हुई और मुख्य फोकस से होते हुए निकल गई। दोस्त, ये आपको पता है, एक किरण और गई और वह किरण वक्रता केंद्र के सीध में गई, जिधर वक्रता केंद्र है उसके सीध में गई और इधर नहीं आई, इससे इधर गई, दर्पण तरफ गई, लेकिन वक्रता केंद्र की सिधाई में ही गई। दोस्त, वक्रता केंद्र के यहां से आगे बढ़ी लेकिन वक्रता केंद्र के सीध में आगे बढ़ी, दर्पण से परावर्तित हुआ तो टकराने के बाद उसी पथ पर चला आया, क्योंकि हम पढ़े हैं कि यदि वक्रता केंद्र के से होता हुआ प्रकाश किरण जाए या उसके सीध से होता हुआ जाए तो उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। दोस्त, तो यहां से हम जाएंगे, होगा परावर्तन, इससे निकल जाएगा दोस्त। तो दोस्त, जो ये किरण है और यह किरण है, परावर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। समांतर किरण हो गई तो आगे भी कहीं नहीं काटेगी और पीछे बढ़ाने पर भी कहीं नहीं काटेगी, यदि कहीं काटेगी तो वह अनंत होगा दोस्त, मतलब अनंत पर जाकर काटेगी, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि पीछे बढ़ाने पर काटेगी कि आगे बढ़ाने पर काटेगी। दोस्त, अगर ये पीछे बढ़ाने पर कहीं काटेगी तो ये अक्ष जा रहा है और यह रेखाएं जा रही हैं, अगर अनंत पर जाकर काटेंगी तो वस्तु बहुत बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा दोस्त, लेकिन अगर नीचे जाकर काटेगी दोस्त और ये अक्ष है तो नीचे काटेगी तो यह उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़े बड़ा बनेगा। दोस्त, अगर इधर कटा तो सीधा बना, बहुत बड़ा बना, अगर नीचे कटा अनंत पर तो उल्टा बना लेकिन बहुत बड़ा बना। दोस्त, तो उल्टा या सीधा हम कंफर्म नहीं हो पाए कि इधर अनंत पर कटेगा कि इधर अनंत पर कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा हम कंफर्म नहीं कर सकते, वही लिखा हुआ दोस्त यहाँ पे। हाँ, अगर पीछे बढ़ाने पर कटेगा तो प्रतिबिंब आभासी कहलाएगा, आगे बढ़ाने पर कटेगा तो वास्तविक कहलाएगा, तो यहाँ तो हम कंफर्म ही नहीं है कि पीछे कटेगा कि आगे कटेगा दोस्त, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि प्रतिबिंब आभासी होगी या वास्तविक होगी, सीधा होगी या उल्टा होगी हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जिधर भी कटेगी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, अनंत पर कटेगा इसलिए प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है दोस्त, ये कंफर्म है, लेकिन बाकी कंफर्म नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में यह कंफर्म किया हुआ है कि प्रतिबिंब जो इसमें होगा वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्त, तो वास्तविक बनता है, तो आप वास्तविक ही ट्रिक करिएगा अगर परीक्षा में आता है तो, क्योंकि अगर हम लॉजिक से बात करें तो हमने जो लिखा वही बन रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है दोस्त, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों पहलू आपको बता दिया इसलिए आप दोनों को जानते रहिएगा दोस्त, परीक्षा में यदि आता है तो आप इसको जरूर टिक करिएगा। देखते हैं फिगर नंबर अंतिम और 6वां फिगर। हेलो गाइस,
ये फिगर नंबर छः है, और फिगर छः नंबर छः में कंडीशन ये है कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा दर्पण के बीच में हो, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि मुख्य फोकस तथा पोल यानी ध्रुव के बीच में हो, दोनों बात एक ही है दोस्त। तो आप देखिए यह अवतल दर्पण है और ये आपका मुख्य फोकस है यहाँ पे, और यहाँ पे वक्रता केंद्र है दोस्त। दोस्त ये ए और ये बी, ए बी वस्तु है तो बी बिंदु से, वस्तु के बी बिंदु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, उस किरण का परावर्तन हुआ दोस्त, और वह परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर के निकल गई, चली गई। एक किरण और बिंदु बी से चला जो वक्रता केंद्र के सीधे में दर्पण की तरफ चला, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस आ जाता है दोस्त, क्योंकि वह वक्रता केंद्र के सीध में है। दोनों किरणें परावर्तन के बाद इधर जा रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों इधर जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं यह और दूर होती जाती रही, दूर और होती जा रही हैं दोस्त। जब दूर हो रही हैं तो अनंत पर भी नहीं काटेंगी, कहीं नहीं काटेंगी दोस्त। आज जब कहीं नहीं काटेंगी इसका मतलब आगे बढ़ने पर नहीं काट सकती, आज जहाँ पे काटेंगी प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, तो आगे जब काटेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो कहाँ काटेंगी दोस्त। तो जब हम कल्पना करेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे दोनों रेखाओं को, तो पीछे यहाँ पे काटेगी, यहाँ पे काट रही है दोस्त, इसको अन बढ़ाया, इसको बढ़ाया, जो बिंदु बी पर काट रही है, तो जहाँ पे काटी, चूंकि बिंदु एक कल्पना है हमारा, ये हमारा आभास है कि पीछे बढ़ाने में कट रही होगी, तो वहां पे बिंदु बी का, क्योंकि जो भी किरणें हैं दोनों वह बिंदु बी की हैं, तो बिंदु बी की बी डैश प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, और इसके हर बिंदु का हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो यह ऐसे बनेगा, और अंत में ए का प्रतिबिंब बनाएंगे तो बिंदु ए का प्रतिबिंब बनेगा, सबको हम मिला देंगे दोस्त, तो ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यह सीधा है, वस्तु से बड़ा है, दर्पण के पीछे है और आभासी है दोस्त। तो इसी को हम मुख्य पॉइंट के रूप में याद कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, आभास कर लेते हैं दोस्त। तो आइए देखते हैं, मुख्य पॉइंट है प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, आपको दिखाई दे रहा है ये चीज। और सेकेंड बात है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है दोस्त। तो ये दो बात याद रखिएगा दोस्त, ये फिगर नंबर छः था, इन सभी छः फिगर का डायरेक्ट अप्लीकेशन पूछता है दोस्त, और आगे कई जगह सवाल में इसको उपयोग होता है, इसका कई जगह अप्लीकेशन है दोस्त। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगले वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है दोस्त। तो वहाँ पे केवल दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं दोस्त, केवल दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, वो हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे दोस्त। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।